ह्यूमन वाले में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज ठीक है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ठीक है उसके बाद ह्यूमन मेड रिस है पर दे ने रिसोर्स देखो जो नेचर ने हमें दिए हैं ठीक है, है? जिसमें हम ज्यादा कुछ चेंजेस ज्यादा मोटिवेशन नहीं करते वो नेचुरल रिसोर्स है जैसे एयर है या वाटर है वो नेचल रिसोर्स है रिवर है या लेक है सॉयल है या मिनरल है ये सारी चीजें हम ज्यादा मतलब बदलाव नहीं करते इनमें रिसोर्सेज रिसोर्स आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स एक्साम्पल भी आपको पता चल गई तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्स है नेचर ने जो हमें गिफ्ट किया है उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इन सम केसेस कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं टूल्स और टेक्नोलोजी में भी यहां पे हम टूल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए फिर ने रिसोर्स भी ब्रॉडली क्लासिफाइड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स अब हमें पता चल गया कि नेचर से हमें कौन कौन सी चीजें मिलती हैं लेकिन नेचर से जो चीजें मिलती हैं उनमें तो दो चीजें दो कैटेगरी और भी हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल को हम रिन्यू कर सकते हैं नॉन रिन्यूएबल को रिन्यू करने में हजारों साल लग जाते हैं लेकिन वो प्रोसेस ऐसी होती है कि हजारों सालों में तो पता नहीं है आपका क्या होगा तो इसलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेस को ध्यान में रखते हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उनकी क्वांटिटी हमें पता होती है ठीक है हम ये भी कह सकते हैं विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली जिनको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं अनलिमिड एंडिविटी इसमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जो अनलिमिटेड होते हैं जो इंसान की एक्टिविटी से एफक्टेड नहीं होते जैसे हमर एर्जी को कितना इस्तेमाल कुछ फर्क नहीं पड़ता जैसे हम हवा को इस्तेमाल करें कुछ फर्क नहीं पड़ता इस्तेमाल करें उसे खराब ना करें ठीक है इस्तेमाल करने में डिस्ट्रॉय करने में फर्क है जैसे हम पॉलोथी बैग्स को बहुत जलाते हैं जाना चाहिए क्योंकि हमारी विन एनर्जी है वो खराब होती है हमारी ये है वो डिस्ट्रब होती है या केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर सोइल फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक तो ये जो केयरलेस यूज हम करते हैं ना इन चीजों का वो उनके स्टॉक को इफेक्ट करता है स्टॉक मतलब उनके भंडार को ठीक है जहां पे जहां से वो हम लेते हैं तो एक चीज है कि जो नेचुरल रिसोर्स है उनमें वाटर एक ऐसी चीज है कि कम हो रहा है ड्राई हो रहा है ठीक है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए तो हमें इस तरह से हर चीज को बचाना चाहिए नॉन रिनील रिसोर्स में क्या होते हैं कि विच है लिमिटेड स्टॉक जिसका स्टॉक बहुत लिमिटेड है किसका जैसे हमारे नेचुरल गैस का पेट्रोलियम का कोयल का इस तरह की चीजें जो होती है उनका लिमिटेड स्टॉक है उनको तो भी हमें बहुत ज्यादा सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए अगर एक बार ये स्टॉक एग्जॉस्ट हो गई मतलब एक बार ये खत्म हो गई तो इनको हजारों साल लग जाते हैं रिन्यू होने में रिप्लेनिश होने में सिंस दिस पीरियड इज टू मच द ह्यूमन लाइफ स्पैन ये किसके के कंपेरिजन में इंसान की जिंदगी के कंपेरिजन में ये टाइम बहुत ज्यादा है ठीक है